हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हम लोग तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यूनिट टू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एडजस्टिंग। ये क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो के, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, देखिए क्या होता है। वर्ड टोनिसिटी सिंपली डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ अनदर कंपेयर्ड विद। बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन आर द एप्लीकेशन मीन्ड जैसे क्या होगा बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए क्या एक क्या है, ये ब्लड है, ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, इसी दोनों कंसंट्रेशन को जब हम लोग करेंगे तो ये देखो इसके अंदर डालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन और उसका कंसंट्रेशन सेम होगा, तो ये कहेंगे आइसोटोनिक। तो इसी कहते हैं बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ सोल्यूशन कैस किसके हिसाब से, एज पर टोनिसिटी देर आर थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन। कौन कौन से होते हैं? आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है? अ बफर सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू द 0.9 WV NaCl सोल्यूशन ऑफ, देखो तो ये होता है 0.9 WV। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 0.9 ग्राम ऑफ, ठीक है ना, NaCl ऑफ NaCl जो रहेगा जब अगर हम लोग 100 ml में डिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.9% का ये कंसंट्रेशन का, ये आइसोटोनिक बनेगा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये अपने ब्लड के होता है इक्वल, ठीक है। तो अब देखो हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिस मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन उससे क्या होती है, लो होती है, कम होती है। और हाइपरटोनिक क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की वो ब्लड कंसंट्रेशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ ये तीनों, ठीक है। देखो ये क्या है, देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है मतलब कि ये जो सोल्यूशन है ना इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो और इसका एक रूल होता है कि जो मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सेल आए उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये लो कंसंट्रेशन मतलब लो कंसंट्रेशन जब इसके अंदर से कोई चीज़ निकलेगी तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है और इसकी क्या कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हो गया, इसमें देखो क्या होता है, पहले एक रूल होता है ऑस्मोसिस का, पहले एक जान लो कि मतलब लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, हाई कंसंट्रेशन में जाता है। तो मतलब कि जब सोल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है, कम है और इसकी जो सेल है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, देखो तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन मतलब लो सोल्यूशन से जो जाएगा जो सॉलिड पार्टिकल आएगा इसके अंदर जाएगा, सॉल्यूट के अंदर जो हम लोग को ब्लड आया, तो उस क्या हो, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ भरेंगे तो क्या होगा, स्वेलो हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, और सेल कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें आइसोटोनिक में क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, क्या मतलब कितने सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे हैं, जैसे क्या मतलब कि देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे क्या है, हम लोग मैं 10 क्या लिए, शुगर के मॉलिक्यूल्स लिए, इसके अंदर मिलाया, अगर इसमें 9 मिल जाए तो मतलब ये हाईली कंसंट्रेटेड, अगर मैं 10 मिला है सिर्फ 2 ही मिला है तो मतलब इसका कंसंट्रेशन लो है। तो मतलब आप लोग कंसंट्रेशन को भी कंफ्यूज मत होइए, कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आप लोग ये जान के हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, और आइसोटोनिक। तो ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे होता है, किसकी कंसंट्रेशन कम होती है, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टोनिसिटी। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नापना, डिटर्मिनेट मतलब क्या, पता लगाना किसके टोनिसिटी का। तो इसका देखो दो मेथड होता है, क्रायोस्कोपिक होता है या तो कोलोगेटिव मेथड होता है, एक होता है हेमोलाइटिक मेथड। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ये वाला फर्स्ट वाला, क्रायोस्कोपिक या कोलोगेटिव मेथड में क्या होता है, हम लोग देखो सिंपल क्या लेते हैं, जैसे हम लोग को इसका हम लोग को पता करना है कि इसका हम लोग नहीं पता है कि हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे आइसोटोनिक, इसका हम लोग को क्या पता रहेगा, मेल्टिंग हम लोग को क्या पता रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पता है, ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट पता है, ठीक है, और क्या पता है वेपर प्रेशर पता है इसका क्या है, और क्या है इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो हम लोग को इसका अच्छे से हम लोग पता है, इसका नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये मतलब ये जो है स्टैंडर्ड से कम आ गया तो क्या होगा, हाइपोटोनिक हो गया। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो हाइपरटोनिक हो गया, और इसके बराबर आ गया तो आइसोटोनिक। तो हम लोग इसके मदद से मतलब स्टैंडर्ड और टेस्ट को कंपेयर करके इसके मदद से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो ये हो गया आप लोग का कि मतलब पहला मेथड हो गया क्रायोस्कोपिक मेथड। तो आप लोग की देखो क्रायोस्कोपिक मेथड का पहला हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हेमोलाइटिक मेथड, ठीक है। हम लोग इसमें देख सकते हैं, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है, आप लोग इसको एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हेमोलाइटिक मेथड, देखो इसमें बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एक क्या लिए हम लोग सोल्यूशन लिए, उसके अंदर क्या डालें, ब्लड का सेल डालें, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या, इस ब्लड किसी जो ब्लड है इस सेल के साथ क्या क्या हो रहा है। तो तीन कंडीशन अराइज हो गया, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी मतलब सिकुड़ जाएगी, या तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलो मतलब हो जाएगी फूल जाएगी, या तो कुछ नहीं होगा नो चेंज, तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक। तो हम लोग पहले देखते हैं पहली कंडीशन क्या होगी। अगर देखो देखो मैं सिंपल बताया था अभी को कुछ ही देर पहले बताया था, वही वाला एकदम सेम कंडीशन यहाँ पे है कि मतलब कि देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल की कंसंट्रेशन कम है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इसकी लो है इसकी हाई, तो इसके यहाँ जाएगा इसके तरफ, जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ निकलती है तो क्या सिकुड़ जाती है। यहाँ देखो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा तो क्या होगा, ये सेल हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी, इसको कहेंगे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, ठीक है ना, इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, सेल श्रिंकेज हो जाएगा। कंडीशन नंबर टू क्या हो गया, देखो इसमें क्या होगा, सेल का जो होगा मतलब स्वेलिंग हो जाएगा मतलब फूल जाएगा, ठीक है। क्यों फूल जाएगा, इसमें देखो जो ये जो सेल लगे थे हम लोग इसमें ब्लड डाले ना, ये क्या होगा फूल गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चला गया कि मतलब कि ये जो सेल की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और क्या है जो सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है कम है। तो ठीक है, तो क्या होगा, ये हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो मतलब इसकी कम है, तो इसके बाद इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये फूल जाएगा। तो हम लोग इससे ये बता सकते हैं कि जो सेल है ये क्या है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो इसमें हाइपोटोनिक भी पता कर सकते हैं, हाइपरटोनिक पता कर सकते हैं। अब देखो कैसे आइसोटोनिक हम लोग को क्या मतलब क्या साइन देगा, वो अभी हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेल डालें तो क्या होगा, पहले बार में क्या होगा, सेल क्या होगा, श्रिंक हो गया। तो मतलब ये पता चला कि ये क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं इस तरीके से, और इसमें क्या डालें, हम लोग क्या डालें दोबारा हम लोग के, तो उसके सेल क्या होगा, स्वेलो होगा। तो इसमें पता चला कि ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या डालेंगे हम लोग, इसमें सेल जाएगा कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग ये कैसे पता चलेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसमें पता चलेगा, माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं जो पहले कैसा था, फिर उसके बाद सोल्यूशन में डालने के बाद कैसा होगा, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, ये हो गया, और हम लोग का आइसोटोनिक। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी देखो दो क्लास होता है, ठीक है। इट बेसिकली इंक्लूड टू क्लास, एक होता है किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक के लिए होता है, एक होता है हाइपरटोनिक के लिए होता है। क्लास वन में क्या होता है, अब क्लास वन में भी दो पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं क्लास वन में क्या होता है। देखो पहला होता है, दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी, किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए। क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे, ऐड सोडियम क्लोराइड टू मेक द सोल्यूशन आइसोटोनिक। इसका मतलब देखो सिंपल, देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो मतलब क्या है, इसका जो कंसंट्रेशन है उसके सेल की क्या है मतलब कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए क्या मांगा, जैसे देखो जो NaCl है, NaCl की कंसंट्रेशन कम है, तो हम लोग क्या मिलाएंगे इसके अंदर, NaCl मिलाएंगे, मतलब कि इसको मिलाएंगे तभी ना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब 0.9 जो होता है परसेंट होता है, ये किसके होता है, आइसोटोनिक होता है। तो मतलब ये कम है, तो इसके अंदर क्या मिलाएंगे हम लोग, मतलब NaCl मिलाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो दो होता है, क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के होता है, एक होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो पहला हम लोग देखते हैं क्रायोस्कोपिक या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड होता है। देखो तो पहले मैं बताता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन मेथड क्या होता है। देखो सिंपल बता रहा हूँ मैं, जैसे क्या, एक समझ लो एक सोल्यूशन रखा है, ठीक है, मतलब वाटर रखा है, ठीक, मतलब मान लो वाटर, उसके अंदर क्या है, हम लोग आइस डाल दिए। अब उसका देखो टेम्परेचर पहले ही से क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब है उसकी पता, हम लोग को आइस कितना है मतलब वो क्या फ्रीज है। उसके हम लोग समझ लो नमक डालेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर और डिप्रेशन होगा, मतलब उसका टेम्परेचर और कम होगा, इसी को कहेंगे डिप्रेशन,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब टेम्परेचर में किसी सब्सटेंस को डालने के बाद उसके टेम्परेचर में और कमी होती है, उसको कहेंगे डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो पहला एक फार्मूला होता है सिंपल सा, यही फार्मूला आप लोग को सिर्फ याद करना है और यही लिख देना है। ठीक है, डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू कितना होता है 0.52 माइनस ए और अपान बी। तो इसका देखो डब्ल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, मतलब जो हम लोग को एडजस्टिंग सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना वो लिखना है। ठीक है, ये क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सोल्यूशन, मतलब कि जो जिसका हम लोग का एडजस्ट नहीं है उसका 1% का। और दूसरा क्या है, बी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सोल्यूशन, मतलब जिसका हम लोग को एडजस्टिंग करना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला, हो गया क्लास वन का पहला, हो गया क्रायोस्कोपिक। हम लोग देखते हैं दोबारा ये सोडियम क्लोराइड और इक्विवेलेंट मेथड वाला देखते हैं। ठीक है, क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में क्या होता है, देखो ये सिंपल सा एक फार्मूला, इसी फार्मूला हम लोग रखेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग एकदम याद कर लिए मेथड ऑफ एडजस्टिंग में, तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग को ये फार्मूला मतलब कम से कम ये चार जो फार्मूला होता है क्लास वन में, क्लास वन में दो और इसमें दो, तो वो आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग लिख देंगे और उसके बारे में लिख देंगे तो आप लोग की उतना इनफ होता है एग्जाम के लिए, आप लोग को यही मेन याद करना पड़ेगा। तो ई इज इक्वल टू कितना होता है 17 इंटू एल आइसो अपान एम। तो ई इज इक्वल टू क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट होता है, एल आइसो की वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, एक जैसे एक ही रहती है, उसको बदलती नहीं है। एम इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग सोल्यूशन, जो ड्रग सोल्यूशन है उसका मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक, कितना होता है वो लिख देंगे। अब क्लास टू में देखो क्या करते हैं हम लोग, ये देखो दिस मेथड इज बेसिकली यूज टू एडजस्ट टोनिसिटी ऑफ हाइपोटोनिक, किसके लिए होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए होता है, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करेंगे, मतलब सिंपल एक मैं आप लोग को बात बता रहा हूँ, किसी एक सोल्यूशन इसके अंदर क्या हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, क्या हो गया मतलब NaCl जो है ये ज़्यादा हो गया, तो इसको नमक को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो इसी को कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, इसकी टोनिसिटी को क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो मतलब कि आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाए। देखो मेरे हम लोग को बॉडी का जो रहता है वो हम लोग को आइसोटोनिक मतलब आइसोटोनिक कंडीशन ही चाहिए ताकि वो हम लोग कोई हम लोग का सिल्क जो रहे मतलब कोई स्वेलो ना करे या तो श्रिंक ना करे। तो ये सब जो हो रहा है बार बार ये हो रहा है मतलब कि हम लोग का आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखो दो मेथड होता है, कौन सा होता है, वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल मेथड। वाइट विंसेंट मेथड में देखो एक फार्मूला होता है V इज इक्वल टू W इंटू ई इंटू 111.1। ठीक है, तो क्या हो गया, V क्या है वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग ड्रग एंड वाटर, ड्रग जो है ड्रग के साथ हम लोग जो वाटर मिक्स कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना हो गया। ठीक है, W क्या हो गया, वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, जो वेट होता है ड्रग का वो इन ग्राम है वो कितना हो गया। ठीक है, वो लिख देंगे। और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वाइट विंसेंट मेथड। ठीक है, अब हो गया, आप देखते हैं क्या हो गया स्प्रॉल मेथड। दिस इज बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं मेथड टू वी गेट द वैल्यू ऑफ, हम लोग जो W की जगह है ना, W की जगह सिंपल सिर्फ ये रख देंगे 0.3। वी इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला रहेगा जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, वही सेम फार्मूला वही काम करेंगे, हम लोग वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखो क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा 0.3 इंटू वी ई और इतना हो गया 111.1। ठीक है, तो ये जब इसको हम लोग करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.33 ई, मतलब ये जो ई बचेगा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये या तो ये लिखो या तो ये लिखो। तो इस प्रावल मेथड का फार्मूला ये हो गया, विंसेंट मेथड का फार्मूला ये हो गया, सोडियम क्लोराइड का भी बताया और उसका। तो आप लोग ये चारों मेथड है जो हम लोग को ये मेथड ऑफ एडजस्टिंग में देखना है और मेजरमेंट वाला मैं भी बता दिया और बफर आइसोटोनिक। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को अगर मतलब अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा और मैं एक दो वीडियो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको और डिटेल में समझना होगा तो समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं अभी थोड़ा उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग को फार्मूला याद कर लीजिए वही आपके लिए इनफ है। ठीक है, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल जी के फार्मा को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए, क्योंकि मैं अभी सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।